हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि खत्म हो चुका है फर्स्ट लीन पेपर व्यू से पहले का सेकंड लास्ट स्मैकडाउन, और कह सकते हैं इस वीक के स्मैकडाउन में हमें काफी कुछ देखने को मिला, जैसे कि सेथ रॉलिंस ने अपना बदला ले लिया सिजारो से। इसके अलावा बिगी का हमें रिटर्न देखने को मिला, साथ ही साथ स्मैकडाउन के एंडिंग में तो कमाल ही हो गया, क्योंकि वहां पर हमें कई सारी चीज पता चलते हुए दिखी, जैसे कि नेक्स्ट वीक एज और जे उसो का मैच होने वाला है, एंड जो भी उस मैच को जीतता है वो बन जाएगा स्पेशल गेस्ट रेफरी रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में। बट एज एंड डैनियल ब्रायन के बीच भी हमें दरार पड़ते हुए दिखी, इनफैक्ट डैनियल ब्रायन ने तो अटैक भी कर दिया एज पर, इसलिए कह सकते हैं फास्ट लेन पेपर व्यू WWE का एक मेजर पेपर व्यू होने वाला है रेसलमेनिया से पहले, जहां पर हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। इसलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 शॉकिंग थिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हमें स्मैकडाउन की तरफ से देखने को मिल सकते हैं फास्ट लेन पेपर व्यू में। तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर 3 से। देन नंबर 3 पर मैंने जिस थिंग को रखा है वो कुछ और नहीं, वो है सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी हमें रियूनाइट होते हुए दिखे। अब जैसा कि हम सब ने इनके बीच काफी कुछ देखा है, बडी मर्फी डिसाइपल थे सेथ रॉलिंस के, बट ये दोनों अलग हो जाते हैं। बट आगे चलकर बडी मर्फी मिस्टीरियो फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस के सबसे बड़े राइवल थे, बट वो फ्यूड अचानक से एंड हो गई एंड हम सभी को लगा अब कभी भी सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी हमें एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 2 वीक पहले के स्मैकडाउन में हमें बडी मर्फी का रिटर्न देखने को मिलता है, जहां पर वो सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने की बात करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि वो उनके नजरों के सामने से हट जाए। लेकिन हम सब ने इस वीक के स्मैकडाउन में देखा सिजारो और बडी मर्फी के मैच में, कि जब सिजारो भारी पड़ने लगे थे बडी मर्फी पर, तभी हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं एंड वो अटैक करते हैं सिजारो पर, एंड ये मैच एंड हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में। यानी कि WWE ने यहां से हमें ये हिट दे दिया है कि शायद से बडी मर्फी एंड सेथ रॉलिंस सेम पेज में आ सकते हैं, एंड क्या पता ये चीज हमें फास्ट लेन पेपर व्यू में देखने को मिल जाए जब बडी मर्फी आकर हेल्प करे सेथ रॉलिंस की, क्योंकि हम सब जानते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो का मैच WWE पॉसिबली हमें फास्ट लेन पेपर व्यू में करवाते हुए दिख सकती है। इसलिए हो सकता है कि वहां पर हमें बडी मर्फी हेल्प करते हुए दिख जाए सेथ रॉलिंस के, एंड फाइनली सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी हमें रियूनाइट होते हुए दिखे। इसके अलावा बात की जाए नंबर 2 पर मैंने किस शॉकिंग थिंग को रखा है, देन गाइस वो कुछ और नहीं, वो है साशा बैंक्स या फिर बियंका बेलेर में से किसी का हमें हील टर्न देखने को मिले फास्ट लेन पेपर व्यू में। अब जैसा कि फास्ट लेन पेपर व्यू में हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है नाया जैक्स एंड सेना बेजलर वर्सेस बियंका बेलेर एंड साशा बैंक्स के बीच, और बियंका बेलेर एंड साशा बैंक्स का मैच हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 37 में, लेकिन फेस वर्सेस फेस हमें रेसलमेनिया 37 में देखने को मिले, इसके थोड़े कम चांसेस है। इसलिए हो सकता है जब साशा बैंक्स एंड बियंका बेलेर एक दूसरे की गलती की वजह से अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच हार जाए, तभी हमें साशा बैंक्स बियंका बेलेर पर या फिर बियंका बेलेर हमें साशा बैंक्स पर अटैक करते हुए दिख सकती है, यानी कि दोनों में से हमें किसी का हील टर्न देखने को मिल सकता है, एंड ज्यादा चांसेस साशा बैंक्स के ये। और कह सकते हैं अगर ये चीज होती है देन ये डेफिनेटली से काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। इसके अलावा बात की जाए नंबर 1 पर मैंने किस थिंग को रखा है, देन गाइस वो कुछ और नहीं, वो है कि डैनियल ब्रायन हमें बनते हुए दिखे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब अगर आप चैनल से जुड़े हुए होंगे देन मैंने आप सबको बताया था कि WWE ये प्लान करिए कि वो अपने रेसलमेनिया 37 के मैच कार्ड में चेंजेस करे, और वो किस मैच में करने वाली है वो तो अपडेट सामने निकल कर नहीं आई थी, बट हम सभी को ये थिंग तो पता ही है कि विंस मैकमैन को ये चीज पसंद नहीं आई थी कि एज वर्सेस रोमन रेंस का मैच पहले ही रिवील हो चुका था कि ये होने वाला है रेसलमेनिया 37 में। इसलिए जब ये मैच ऑफिशियल हुआ तब इसने उतना ज्यादा कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, इसलिए इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि WWE एज वर्सेस रोमन रेंस के मैच में कुछ चेंजेस कर सकती है एंड उसे बना सकती है एक ट्रिपल थ्रेट मैच, यानी कि WWE उस मैच में ऐड कर सकती है डैनियल ब्रायन को। इसलिए WWE ये चीज तभी पॉसिबल कर सकती है अगर किसी तरह से डैनियल ब्रायन जीत जाते यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और रोमन रेंस को WWE इस मैच में ये दिखाकर ऐड कर सकती है कि उन्हें रीमैच मिल रहा है अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने के बाद। ऐसा इसलिए होगा ताकि WWE रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 37 के स्टेज में फिर से जिता पाए। और कह सकते हैं जब डैनियल ब्रायन एंड रोमन रेंस के मैच में पॉसिबली रेफरी एज रहने वाले, तो यहां पर वो रोमन रेंस को किसी तरह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप लूज करवाते हुए दिख सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं अगर डैनियल ब्रायन बनते हमारे चैंपियन देन ये हम सभी के लिए एक काफी बड़ा शॉकर होने वाला है, और इसके चांसेस क्यों है वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इन तीनों थिंग्स में से फास्ट लेन पेपर व्यू में किस थिंग को देखना चाहते हैं, एंड आपको क्या लगता है इसके अलावा और कौन सा शॉकर हमें देखने को मिल सकता है फास्ट लेन पेपर व्यू में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।